आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो अगली एक्सरसाइज है उसका काम स्टार्ट करेंगे। और हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 2x + 1। ये एक सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है और फिर इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से इस इंटीग्रल का हमें आंसर फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले सपोज कर लेता हूं कि y इज इक्वल टू द इंटीग्रल 4x टाइम्स √2x + 1 dx। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन इस तरह करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि u इज इक्वल टू 2x + 1 जैसे कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी गई थी। उसके बाद दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें 2 टाइम्स dx मिल जाएगा और यहाँ पर du मिल जाएगा। अच्छा, साथ साथ हम ये करते हैं कि चूंकि हमें यहाँ पर एक x भी गिवन है तो हम इसी रिलेशन को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करके x के लिए ड्राइव कर लेते हैं। सो x विल बी इक्वल टू u - 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि 3 सब्स्टिट्यूशंस हमारे लिए यहाँ पर बन जाएंगी और तीनों को मैंने ब्लॉक में रख दिया है। तो अब हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 एज इट इज, x की जगह पर हम लिखेंगे u - 1/2 और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट ऑफ u के इक्वल हो जाएगा। और dx जो होगा इसमें एक स्टेप और करना है, 2 को दूसरी साइड पे अगर मूव कर दें तो 1/2 du विल बी इक्वल टू dx। तो dx की जगह हम 1/2 times du रिप्लेस कर लेंगे। तो आपके पास सबसे पहले ये 2 4 को कैंसिल कर देगा, दोनों 2, और आपके पास यहाँ पर रूट ऑफ u टाइम्स u - 1 du बच रहा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ u को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ तो यहाँ पर पावर 3/2 आ जाएगी और यहाँ पर u की पावर 1 से मल्टीप्लाई होके 1/2 रहेगी। ऑपरेटर को दोनों के लिए मूव कर देंगे तो दोनों के साथ हम इंटीग्रल du लिख देंगे। सबसे पहले हम पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस सेम यहाँ पर भी होगा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और इसी से हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा u^5/2 / u^3/2 / 3/2 + constant of integration। अब इसके बाद हम इसको 2 times 2/5 कर देंगे और u की जगह जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं। सो u वॉज इक्वल टू 2x + 1 और होल पावर में 5/2 आ जाएगा -2/3 times u का मतलब हो गया 2x + 1 और पावर में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे गिवन इंटीग्रल की इंटीग्रेशन है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.